के चले गए देखो वो एक की दुकान। क्या अब मेरा व्लॉग सब देखेंगे स्टार्टिंग से? तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ईगल नेस्ट पे हमें जाना था पहाड़ पे, इसलिए हम रुके थे और हम उठे 8:30 बजे। तो अभी हमें जाना है चाइना बॉर्डर। तो कुछ चीज़ें हमेशा रह जानी चाहिए ताकि क्रेविंग हो कि वो वापस ज़रूर आए, समझ रहे हो? चेंज करते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। ठीक हो गया, मुझे लग रहा है कोई देख नहीं रहा मुझे, वरना अभी तक डांट पड़ चुकी होती। तो इससे पहले मज़ीद ख़तरनाक वाली डांट पड़ जाए ना, चेंज करने जाते हैं। जुड़े रहना, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दियो फैमिली, डेली व्लॉग बोला भी नहीं जाता मुझे, तो करना कितना मुश्किल है मेरे लिए। ओह माय गॉश, जा रहे हैं हम लोग। जिंदगी में अगर ये समझ जाए किसी से, इधर आ जाओ। कैसे जाता है फिर? वो देखो वो तीन बैठे हुए, वो रे तीन पत्थर मारकोड नहीं है। अबे वो अकड़ गया सर्दी में मारकोड। दूरबीन पे चले आओ जरा, वो रहा सामने यार। अब तुम ये देखो कैसे दिख गया मेरे इनको। वो भाग रहा है, भाग गया यार, वो भी इतना बड़ा चूहा है। तो वो देखो तो भाई तीनों चीजें देख ली हमने। चलो जी आ गए हम लोग चाइना बॉर्डर, लेकिन ये वो बात नहीं है। पहले आए थे फुल बर्फ की चादरें भी थी हुई थी पूरे रोड पे। वो बात नहीं है जो मैं आज से एक साल पहले जब आया था, मतलब जब रास्ते में थे ना, जब से वहाँ पे बर्फ 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 बर्फ, और 5 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ था मुझसे। बस बाहर गया हूँ ऐसे ही करते करते वहाँ पे चाइना बॉर्डर की गेट पे वापस। रश तो ऐसे हो रहा है जैसे यहाँ पे बर्फ की बिरयानी मिल रही है मेरी ठंडी के साथ। इनसे पूछो रोज के कितने कमा लेते हैं, जबरदस्त 10 धंधा है, मतलब पहाड़ों के बीच में वॉशरूम खोल लो। बस एक कंटेनर लगाना था। लामिया कितनी तबीयत खराब हो गई है, हाइट पे आ जाते हैं तो सांस का बहुत इशू होता है। तो जो भी बच्चों के साथ आए या कुछ भी करे तो साथ में खुबानी और वो सारी चीजें रख के आए। चलना है तो उधर चलो, फिर बर्फ उधर है। अरे कौवे क्या है, चेक करो भाई। ओ भैया ऑफ कराओ, चलते हैं। चाइना बॉर्डर इतना मुझे क्रेज नहीं है कि मैं वहाँ तक पैदल पैदल चलूँ। और वो फोटोग्राफी चल रही है भाई, हमने बोला चाइना बॉर्डर तो नहीं जाते, हमें चाहिए थी बर्फ। सांस का मसला होता हम लोग वापस आते आते हमने बोला यहाँ पे रुक जाते हैं, नीचे से होकर बस ये डायरेक्ट नीचे उतर के बर्फ है यहाँ पे। मैंने बहुत वाइब ली है यार इन जगहों की, बहुत वाइब ली है, तो इसलिए इस बार इनकी बारी थी। चलो अपन भी चलते हैं,
अपन तो यहीं से चले जाएंगे, क्या बोलते हो सैन? मत देना यकीन करो। क्या बोल रहे आराम आराम से। लेकिन चलो भाई चलें, जब भी आप उतरो ना ऐसे उतरना है, ये देख रहे हैं। उससे क्या होगा कि होगा कि एकदम फिसलोगे ना तो ऐसा गिरोगे, सीन ही ऑफ हो जाएगा। जाने लेट्स गो। आ गए भाई बर्फ में, आ गए। मार लिया आपने? बोले मार लिए। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ऐसी तबीयत खराब हुई है, क्या बताऊं, मतलब सबकी। मैं तो सो गया था, मैंने बोला थोड़ी देर भी जागूं। अब नाश्ता किया था, अभी खाएंगे पकोड़े शकोड़े और फिर जाएंगे वापस नीचे। डर गई बहन, डर गई। आ जाओ, बोलो बोलो बोलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना आ गया, जल्दी आ जाओ। दास खाना आ गया भाई, कैसे आए अंदर से, यही भूखे हैं। मजे से यहाँ पे बैठ के मेरा मोबाइल यूज कर रहे थे और मैं आया हूँ तो फेंक दिया। उठ जाओ यार, और अब देखिएगा, चेक करिएगा, ये देख रहे हैं, इसके ऊपर पत्थर डाल दिए, वो एंजॉय कर रहा है। खड़े हो, ओए आनिया इधर आओ, ओए बस चलो। बैक टू हुंजा और वापस जा रहे हैं हम होटल देखने। सारे होटल ना खुद कराने, असल में हमने ये डिसाइड किया था कि खुद कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि यार कितना लंबा पैकेज आता है आपके पास, क्या हिसाब किताब होता है। इतने बेकार रूम्स के भी 9,000 रुपये, तो मुझे नहीं पता पीक सीज़न चल रहा है या क्या सीन है। ये ना पहले हर चीज़ प्लान होनी ज़रूरी है। बहुत सारे होटल विज़िट करने के बाद अगर मुझे कुछ समझ आया तो वो यही था, क्योंकि यार यहाँ पे जो माहौल है ना उसका गेम ही अलग है, और सारे पैसे होते ही मॉल के। यार ये चेक करो, मतलब आप, ये मेरा कैमरा ऐसा हो रहा है या फिर ठीक है, सारे इन्होंने लिखाए हैं, अभी सिर्फ खुबानी है, खुबानी है। तो जी रूम हो गया फाइनल, और अभी बज रहे हैं कोई 10:30, तो अब जाके बस सोएंगे, लेकिन उससे पहले खाना है, खाना कल उठ के फिर जाएंगे अताबाद लेक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये किसके स्लीपर्स हैं, है? ये आपके हैं? इधर आ, चल अंदर चल, जाओ पहले चेंज करके फिर बाहर चल रहे, जाओ। अबे बेटा मेरे मोबाइल के साथ क्या खेल रहे हो, 10% है, कौन रो रही है? लाओ मोबाइल दिखाओ, आओ दो दो मुश्किल से मनाया, इतनी मुश्किल से